लोगों को फिलहाल तो ऐसे मना कर रहे कि जब भी राजनेट जुड़ेगी यहाँ से, राजस्थान सरकार का जो नेट है वो सीवरेज के काम और ये रोड का काम चलते हुए से जयपुर स्कूल के आसपास हॉस्टल के पास कहीं पे कट हो गया या टूट गया है, तो हमने डिपार्टमेंट को तो अवगत करा दिया है सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को। और लोगों को परेशानी हो रही है, रोज़ आते हैं पूछते हैं कि आधार में अपडेट करना है, नया बनाना है, लेकिन हम उनको ये जवाब देते हैं कि जब तक वो नहीं जुड़ेगी तब तक ये काम नहीं हो पाएगा। तीन दिन से खुली है क्या? हाँ, 2 तारीख को दोपहर के बाद से बंद है राजनीति। तो इसका आपने अवगत भी कराया है? हाँ, हमने जो अधिकारी है उच्च अधिकारी उनको अवगत करा दिया है। जैसे संदीप जी है उनको बता दिया कि सर यहाँ से केबल कटी हुई है, हमारे पास नेट नहीं जा पा रहा है। तो उनका क्या कह रहा है? उन्होंने बोला कि उन्होंने आगे जयपुर सूचना दी है, तब भी बात हुई थी तो उन्होंने बताया किसी संजय जी आईए ने सूचना दी है, लेकिन अभी तक तो इसमें कोई सुधार हुआ नहीं। 3 दिन हो गए। हाँ, 3 दिन से अभी बंद है। आगे का पता नहीं है कब तक? हाँ, आगे का अभी हमारे पास सूचना नहीं है। जनता यहाँ परेशान है, तो आप बताएं ये कब तक हो जाएगा? अब हम दोबारा उनको कॉल करते हैं और रोज फीडबैक ले रहे हैं, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। जनता का रुझान कैसा आ रहा है? लोग तो परेशान ही हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमें बार बार चक्कर कटवा रहे हैं, लेकिन अब हम तो इसकी वजह से ही कटवा रहे हैं, हम तो काम करने के लिए तैयार हैं। अभी आप काम कर रहे हो? कुछ काम कर रहे हो? ये ऑफलाइन काम है, जैसे किसी का फोटोकॉपी निकालना है या समझो ई मित्र वाला काम तो हम हमारे मोबाइल से नेट करके कर सकते हैं, लेकिन आधार वाला नहीं कर सकते। तो